करना, अरे ये जो बोलता है हमें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा, ये जो लड़का बोल रहा है हमें इसकी बात पे भरोसा नहीं है। लेकिन भाई यदि यह बात इसके घर की हो, इसके मन की हो, इसके चित्त की हो, इसके अभिप्राय की हो, इसकी मनगढ़ंत हो, तो जरूर शंका करना। लेकिन ये तो जिनवाणी की बात है तो शंका करने योग्य नहीं है। भरोसा करना, ये जिनवाणी पर भरोसा कितना जरूरी है। आजकल के बालकों को, आजकल के युवा साथियों को जब हम विश्वास पर बात मानने की कहते हैं तो उनका चित्त स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं तर्क की कसौटी पर बात कस करके दिखाओ, लॉजिकली बात करो। हर व्यक्ति को लॉजिक चाहिए, हर व्यक्ति को यह चाहिए साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करके बतलाओ, प्रूफ करके बतलाओ। उसके बिना हम नहीं स्वीकार करेंगे भाई, क्योंकि पता नहीं साइंस के ऊपर इतना भरोसा है जितना जिनेंद्र देव पर नहीं है, जितना वीतरागी संतों पर नहीं है, उससे ज़्यादा भरोसा हमारे को वैज्ञानिकों पर हो गया है। आज यदि हम आपको ये बात कहते हैं या जिनवाणी ये बात कहती है कि रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है, इसमें बहुत हिंसा होती है, तो बात स्वीकार नहीं करता। शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें हैं। और कल यदि न्यूज़पेपर में ये बात छप जाए और वो कहे कि भाई रात्रि भोजन करने वाले से, रात्रि भोजन करने से कोरोना ज्यादा इफेक्टिव होता है, आप देखो कितने लोग करेंगे। बोलो, कोरोना उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो रात्रि में भोजन करते हैं। तो फिर देखो कितने व्हाट्सएप पर घूमेगा वो मैसेज, न्यूज़पेपर की कटिंग जगह जगह पहुंचेगी, देखो न्यूज़पेपर में छपा है, देखो न्यूज़पेपर में छपा है। माने वो न्यूज़पेपर की बात को भगवान से ज्यादा भरोसे वाली मान जाते हैं कि हमारे वीतरागी संत, हमारे दिगंबर संत, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, उनकी इतनी भी कीमत नहीं है। भगवान साक्षात तीन लोक के नाथ, एक तरफ तो भगवान हमारे को ये कह रहे हैं हम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी बात मानने को हम तैयार हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज यदि जिन लोगों का नाम लेकर आप ये कह रहे हो कि उन्होंने दिन में भोजन करने की कही है, कल वो किसी शराब का ऐड करते हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलो, वो सिगरेट का ऐड करते हैं, बोलो क्या करेंगे? मानेंगे उनकी बात को? भाई वो हमारे आदर्श नहीं है, हमारा जैन धर्म उनके भरोसे नहीं चलता है, हमारी श्रद्धा के विषय वो नहीं है, हमें इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। आज साइंटिस्ट यदि किसी भी बात को प्रूफ कर देते हैं तो हमें उन पर ज्यादा भरोसा होता है। जैसे देखिए पेड़ पौधों में जीवन है, वनस्पति होती है ट्री, पेड़ पौधे छोटे छोटे से, उनमें जीव है, उनमें जीवन है। वनस्पति कायिक जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं, और दुनिया इस बात को नहीं मानती थी। जैन आचार्यों ने लिखा है, हजारों वर्षों पहले लिखा है, और अभी लगभग 70-80 वर्ष पहले जगदीश चंद बोस उन्होंने ये प्रूव किया कि वनस्पति में जीवन है, और इस बात को प्रूव करने के बेस पर उनको नोबल पुरस्कार मिला। जगदीश चंद बोस को बसु, इंग्लिश में बोस कहते हैं उनको, जगदीश चंद बसु। तो वो उनको नोबल पुरस्कार मिला किस बात पर? जो उन्होंने ये सिद्ध किया वनस्पति में जीवन है, इस भरोसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक ने वनस्पति में जीवन प्रूफ करके दिखा दिया तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया, और हमारे वीतरागी संत हजारों वर्षों से जिस जमाने में साइंस डेवलप नहीं थी, जिस जमाने में साइंटिस्ट कुछ नहीं थे, जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में आखिर उन्होंने कौन से ज्ञान से ये बातें लिखी कि वनस्पति में जीवन है? बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, बिना छने पानी की एक बूंद में, ये लिखा हमारे आचार्यों ने, और आज वैज्ञानिकों ने गिन करके बतला दिए 36,450। ये तो पुरानी खबर है बहुत, हम जब बचपन में 30 साल पहले की खबर है, कम से कम 30-35 साल पहले की। 36,450 जीव बिना छने पानी की एक बूंद में गिन करके वैज्ञानिकों ने बतलाए हैं, हमें वैज्ञानिकों की बात को मानना है। अरे भाई क्या दम है, शंका नहीं होनी चाहिए, शास्त्र कह रहे हैं। जिस तरह से एक बालक को अपने माँ के द्वारा कहे गए वचनों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माँ उस बालक का
अहित नहीं चाहती है, बुरा नहीं चाहती है, ठीक उसी प्रकार यह जिनवाणी हमारी माँ है, हमारे को जिनवाणी माँ के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये वचन जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए हैं, जिनवाणी माँ के माध्यम से हमारे को